अब आपको बताएं, मौसम तब्दील होते ही लंडा बाजार की रौनकें भी बढ़ गई। महंगाई के सताए शहरियों ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। गुज़श्ता साल की नस्बत कपड़ों और जूतों कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कई शहरी लंडा बाजार से भी खरीदारी की सकत न रखने पर वापस रवाना। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ लंडा बाज़ार में, और आज इतवार के रोज़ शहर लाहौर के बासियों ने बड़ी तादाद में जो है वो अवामी बाज़ार का भी रुख कर दिया है। यहाँ पर आने वाले शहरियों का कहना है कि क्योंकि सर्दियों की आमद आमद है, इसलिए उसी लिहाज से जो है वो अपने बच्चों के लिए, अहले खाना के लिए और अपने घर वालों के लिए जो है वो शॉपिंग करने यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, एक तो सर्दियों की आमद आमद है, यहाँ पर आपको आकर कैसे रेट कैसे लगे? रेट तो आपको पता है, ये मार्केट है और मार्केट का मकसद ये होता है कि वहाँ पे सस्ता चीज़ और महंगी चीज़ हर तरह की चीज़ ही मिलती है। और ये आवाम का सिस्टम आप खुद देख रहे हैं, यहाँ पे गरीब लोग आ रहे हैं और उनको अच्छे रेटों पे, अच्छे मुनासिब दामों पे चीज़ें मिल रही है, 600 में, 500 में, 400 में। फिर वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो कितने रेंज वाला चीज़ें लेना चाहते हैं। अरे बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो शॉपिंग करने पहुँचे हैं। कुछ शहरी कहते हैं कि उनको जो है वो मुनासिब दामों चीज़ें मिली, जबकि कुछ शहरी जो है वो कहते हैं कि हमें चीज़ें जो है महंगे दामों मिली हैं। जबकि यहाँ पर जो आने वाले शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये जो बाज़ार है अवामी बाज़ार, वो भी दिन ब दिन महंगा होने लगा है। जो चीज़ें 500 से 600 में दस्तियाब हैं वो पहनने के काबिल नहीं, और जो चीज़ें पहनने के काबिल हैं उनके जो रेट हैं वो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपया जो है वो मांगा जाता है।